स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरु जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू वाराणसी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको आप बोल सकते हैं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की बात करेंगे। बेसिकली इसके लास्ट 3 ईयर्स के कट ऑफ की बात करेंगे कि आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा जिससे आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल में सीट कन्फर्म हो जाए, आपका एडमिशन हो जाए, इसकी बात करेंगे। 2020 में कितने एक्सपेक्टेड आपके कट ऑफ जा सकते हैं इसकी बात करेंगे। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि क्लास 11th और साथ में क्लास 9th और क्लास 6th के अगर आप बॉयज एस्पिरेंट्स हैं तो पहले से ही वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, उसको वहां से आप चेक करने के बाद उसको वहां से आप देख लीजिए। अगर आप गर्ल्स एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है, और साथ में अगर आप क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप के एस्पिरेंट्स हैं तभी इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो वीडियो को लाइक करने के बाद आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं होने वाला है। क्लासिक्स, क्लास 9th और क्लास 11th मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ग्रुप के लिए वीडियो पहले से अवेलेबल है, उसको आप प्लेलिस्ट में वहां से चेक कीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप की बात करेंगे, जो आपके कला और वाणिज्य विभाग की बात करेंगे, वर्ग की बात करेंगे, और इसके रिगार्डिंग ही हम लोग इस पूरी एनालिसिस करेंगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, किस बातों का केयर करना है, इसकी बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी, ये आपका जो कैंपस है कमच्छा पे है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल एज वेल एज सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का भी कैंपस आपका कमच्छा पे ही है। यहाँ पे आपकी SET 2017 लिखा है, SET का पूरा नाम होता है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2017 की बात की जा रही है। कट ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन इन सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी बीएचयू की बात की जा रही है। जैसे कि हम बता दें कि जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर होता है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और साथ में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का पेपर सेम रहता है, ऐसा नहीं रहता कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का आपका पेपर डिफरेंट रहता है, लेकिन कट ऑफ आपके डिफरेंस रहते हैं, इस बात का केयर कीजिएगा। और साथ में हम आपको बता दें कि आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप के भी कट ऑफ आपके डिफरेंस रहते हैं। अगर आप कॉमर्स ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका कट ऑफ डिफरेंट हो सकता है, अगर आप आर्ट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैटेगरी लिखा है और यहाँ पे डेट ऑफ काउंसलिंग लिखा है और साथ में यहाँ पे आपकी मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट लिखा है। पहले हम इसको क्लियरेंस कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जो आपकी जनरल कैटेगरी लिखा है इसमें ही आपके OBC अदर बैकवर्ड कास्ट और आपकी EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्टूडेंट आपके जनरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल में OBC और EWS कैटेगरी वालों को आपको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी मेन लिस्ट की बात कर लेते हैं तो मेन लिस्ट वह लिस्ट होता है जिसपे आपके एडमिशन की कंफर्मेशन हो जाती है, या आप बोल सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट में आपके एडमिशन की कंफर्मेशन नहीं होती है और आपका एडमिशन नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है आपके एडमिशन की। वह डिपेंड करता है कि अगर आपका कट ऑफ का मेरिट लिस्ट नीचे आपका गिरा, डिक्रीज हुआ, तो देन आपके वेटिंग लिस्ट वालों कैंडिडेट जो रहते हैं, एस्पिरेंट्स रहते हैं, उनका चांस हो सकता है एडमिशन के लिए, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं होती, तो इस बात का केयर कीजिएगा। आपको एक अच्छे वे में प्रिपरेशन करना है कि आपको मेन लिस्ट में अपना आपको स्थान प्राप्त करना है, इसके लिए एक अच्छे फॉर्म में आप अपनी प्रिपरेशन करिए। जैसा कि हम बता दें जनरल स्टूडेंट से अगर आप बिलोंग करते हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप की बात कर रहे हैं तो कॉमर्स ग्रुप में आपका मेन लिस्ट में कट ऑफ 69 और वेटिंग लिस्ट में आपकी 55 कट ऑफ गए थे, और अगर आप आर्ट्स ग्रुप से एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेन लिस्ट में आपकी 59 और आपके वेटिंग लिस्ट में 44 कट ऑफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी ग्रुप से आपका कट ऑफ जो है आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप का डिक्रीज होता है, कम होता है, उसका रीजन है कि जो आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप में आपके 65 मार्क्स के पोर्शन आते हैं वो आपके रैंडमली फिक्स किए जाते हैं, उसका आपका कन्फर्म सिलेबस नहीं है, और आपका जो हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके कन्फर्मेशन नहीं है क्वेश्चन की, तो
इसलिए आपके कट ऑफ जो होते हैं डिक्रीज होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, आपका एक अच्छे नंबर के साथ एडमिशन होगा। अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट की, तो मेन लिस्ट में आपके जो कट ऑफ है 52 हैं और वेटिंग लिस्ट में आपके 39 कट ऑफ गए हैं। और अगर हम बात करें आर्ट्स ग्रुप की, तो मेन लिस्ट में आपके 47 और आपके वेटिंग लिस्ट में 33 मार्क्स। नेक्स्ट वन इसमें आपके एसटी की बात करें, तो मेन लिस्ट में आपके कॉमर्स ग्रुप में 58 कट ऑफ और आपके वेटिंग लिस्ट में 39 कट। अगर हम बात करें आर्ट्स ग्रुप की, तो मेन लिस्ट में आपके 48 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में 48 से नीचे वाले जितने भी बच्चे हैं उनको वेटिंग लिस्ट में आपको कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इसमें आपके पीसी की बात करें, पीसी का मतलब होता है फिजिकल चैलेंज बच्चे, जो विकलांग वर्ग के बच्चे आते हैं उनकी बात की जा रही है, हैंडीकैप्ड बच्चों की बात की जा रही है। अगर हम कॉमर्स ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप में बात करें, तो नंबर ऑफ सीट आपके मेन लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। अगर सीटों की संख्या अवेलेबल होती है, सीटों की संख्या में इंक्रीमेंट होता है, सीट इंक्रीमेंट होता है, तो आपके एडमिशन आपकी वेटिंग लिस्ट में 33 मार्क्स पे हो जाएंगे। जो आपके टॉप रैंकर्स बच्चे रहेंगे इसमें पीसी कैटेगरी में, उनका आपका पहले एडमिशन होगा, देन उसके बाद आपके नीचे वाले बच्चों का एडमिशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं बेचू जनरल की बात कर लेते हैं, या बेचू जनरल, बेचू एससी या बेचू एससी या बेचू पीसी क्या है। अगर हम इसकी बात करें, तो जो बेचू के एम्प्लॉय होते हैं उनकी बात की जा रही है। अगर हम बात करें बेचू जनरल की, तो मेन लिस्ट में आपके कॉमर्स ग्रुप में 37 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 33 मार्क्स। और आर्ट्स ग्रुप की बात करें, तो मेन लिस्ट में आपके 33 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में 33 से नीचे वाले बच्चों को हो गए, सीटों की संख्या अगर अवेलेबल रहेगी तो उनका एडमिशन कराया जाएगा। नेक्स्ट वन इसमें आता है बेचू एससी की बात करें, तो मेन लिस्ट में आपके 29 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में 29 से नीचे वाले जितने बच्चे हैं उनको वेटिंग लिस्ट में आपका दे दिया गया है। नेक्स्ट वन इसमें अगर हम बात करें आर्ट्स ग्रुप की, तो जितने भी बच्चे आपके हैं, कितने भी नंबर पाए हैं, उनको आपके मेन लिस्ट में आपका बेचू एम्प्लॉय कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट वन इसमें आपके बेचू एसटी की बात करें, तो मेन लिस्ट में आपके 39 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 39 से नीचे वाले जितने बच्चे हैं उनको वेटिंग लिस्ट में आपकी कंसिडर किए जाएंगे। और आपके आर्ट्स ग्रुप की बात करें, तो आपका मेन लिस्ट में सभी बच्चों को कंसिडर किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इसमें अगर हम बात करें बेचू पीसी की, तो आपकी वेटिंग लिस्ट में 33 मार्क्स शो कर रहे हैं दोनों में, आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप में, तो आपकी सीटों की संख्या अगर अवेलेबल रहती है तो आपका एडमिशन कराया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है 69 गया है, लेकिन आपके बेचू जनरल का जो कट ऑफ गया है 37 गया है, तो देख पा रहे हैं कि कितना नंबर का डिफरेंस आपको दिख पा रहा है। अगर आप नॉन बेचू हैं, तो आपको अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन करनी है। अगर आपके माता पिता या कोई भी आपके बेचू में कर्मचारी नहीं है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। एक अच्छे फॉर्म में स्टडी मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप मेरे यहाँ की स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। नंबर है आपका 8795553272 8795553272 8795553272. यह नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करने के बाद आप टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल की ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। और आपकी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज जो होते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और सभी चीज़ों की एनालिसिस करने के बाद आपको एक कंसाइज फॉर्म में चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आता है आपका 2018 के कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन इन सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल बेचू कमच्छा वाराणसी। अगर हम जनरल स्टूडेंट की बात करें, कॉमर्स ग्रुप में आपके 63 कट ऑफ और वेटिंग लिस्ट में आपके 55 मार्क्स। अगर आप आर्ट्स ग्रुप से बिलोंग करती हैं, तो आपका जो मार्क्स है 56 मार्क्स आपके मेन लिस्ट में और आपके 44 मार्क्स आपके वेटिंग लिस्ट में। ये कट ऑफ मार्क्स आपके 56 शो कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये आपका हाईएस्ट मार्क्स है, इससे ऊपर भी आपके हाईएस्ट मार्क्स हो सकते हैं। जैसा कि मे बी आपके 74 या 76 हाईएस्ट मार्क्स गए थे 2019 की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट वन इसमें आपके एससी की बात करें, तो मेन लिस्ट में आपके कॉमर्स ग्रुप में 54 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 43 मार्क्स। अगर हम आर्ट्स की बात करें, तो मेन लिस्ट में 49 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 33 मार्क्स। नेक्स्ट इसमें आते हैं आपके एसटी स्टूडेंट की बात करें, मेन लिस्ट में आपके 54 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके
36 मार्क्स। नेक्स्ट वन इसमें आपके अगर आर्ट्स ग्रुप की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 45 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में 45 से नीचे वाले जितने बच्चे हैं उनको वेटिंग लिस्ट में आपके कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें आता है आपका पीसी की बात करें, फिजिकल चैलेंज बच्चों की बात करें तो आपके मेन लिस्ट में कॉमर्स ग्रुप में 51 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 33 मार्क्स। और अगर हम बात करें आर्ट्स ग्रुप की तो मेन लिस्ट में आपके 48 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 33 मार्क्स। नेक्स्ट इसमें आता है आपके बीएचयू जनरल की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 35 मार्क्स कॉमर्स ग्रुप में और वेटिंग लिस्ट में आपके 33 मार्क्स। आर्ट्स ग्रुप की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 33 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में 33 से नीचे वाले जितने बच्चे हैं उनको आपको वेटिंग लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। अगर सीटों की संख्या अवेलेबल होती है तो आपका वेटिंग लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इसमें आपके बीएचयू एससी की बात करें कॉमर्स ग्रुप में तो आपके मेन लिस्ट में 28 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में 28 से नीचे वाले जितने बच्चे हैं उनको वेटिंग लिस्ट में आपके कंसीडर किए जाएंगे। सेम आपका आर्ट्स ग्रुप के लिए भी 28 मार्क्स और उसके नीचे वाले आपके वेटिंग लिस्ट में कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें आता है आपके बीएचयू एसटी की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 39 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में 39 से नीचे वाले जितने बच्चे हैं उनको वेटिंग लिस्ट में आपका कंसीडर किया जाएगा। अगर हम आर्ट्स ग्रुप की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 29 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में 29 से नीचे वाले जितने बच्चे हैं उसको वेटिंग लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। बीएचयू पीसी की बात करें तो सीटों की संख्या अवेलेबल नहीं है इसलिए आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। इनके सीटों की संख्या में इंक्रीमेंट होता है या आपकी सीटों की संख्या बढ़ती है तो आपका एडमिशन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं फुल फॉर्म लिख दिया गया है, सेट 2019 की बात कर रहे हैं। कट ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन इन सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल बीएचयू कमाच्छा वाराणसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम जनरल एस्पिरेंट से आप कॉमर्स ग्रुप से बिलोंग करती हैं तो आपका मेन लिस्ट में 65 आपका कट ऑफ 2019 में गया था और वेटिंग लिस्ट में आपकी 54 मार्क्स। अगर हम आर्ट्स ग्रुप की बात करें तो मेन लिस्ट में आपकी 59 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 44 मार्क्स। नेक्स्ट इसमें आपके एससी की बात करें मेन लिस्ट में आपके 58 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 40 मार्क्स। नेक्स्ट इसमें आता है आपके आर्ट्स ग्रुप की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 51 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 39 मार्क्स। नेक्स्ट इसमें आता है आपका एससी की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 55 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 35 मार्क्स। आपके कॉमर्स ग्रुप की बात की जा रही है, अगर हम आर्ट्स ग्रुप की बात करें तो 43 मार्क्स आपके मेन लिस्ट में और वेटिंग लिस्ट में आपके 25 मार्क्स। नेक्स्ट आता है इसमें आपके पीसी की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके कॉमर्स ग्रुप में 43 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 25 मार्क्स। अगर हम बात करें आर्ट्स ग्रुप की तो मेन लिस्ट में आपके 40 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 25 मार्क्स। अगर हम बात करें अब बीएचयू जनरल की तो मेन लिस्ट में आपके 33 मार्क्स पे ही आपका एडमिशन हो जाएगा, 33 से नीचे वाले जितने बच्चे हैं उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। अगर सीटों की संख्या अवेलेबल होती है तो 33 से नीचे वालों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। अगर हम बात कर ले आपके बीएचयू एससी की तो दोनों आपके आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप में जो आपके मेन लिस्ट में कट ऑफ है 28 है और वेटिंग लिस्ट में आपके 25 है। और लास्ट वन इसमें आपके बीएचयू एसटी की बात करें, सीटों की संख्या अगर आपकी रहती है तो मेन लिस्ट में रखा जाएगा, अगर सीटों की संख्या इंक्रीमेंट होती है तो आपको वेटिंग लिस्ट में आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप में आपके 25 मार्क्स आपके दिख पा रहे हैं जैसा कि आप भी पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेन लिस्ट जर्नल में आपका 65 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 54 मार्क्स। अगर हम बात करें बीएचयू जर्नल की तो आपके मेन लिस्ट में 33 मार्क्स पे ही एडमिशन हो जा रहा है तो आपके लिए कंपटीशन टफ है। अब बात आती है कि कैसे आप पढ़ाई करें कि अच्छे नंबर के साथ आप सेंट्रल हिंदू स्कूल को क्रैक कर सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस कीजिए, एक आपकी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिए और साथ में साइड बुक को फॉलो कीजिए। बुक के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है कि बुक में कौन सी बुक्स को कैसे पढ़ना है, इस चीज़ों को मैंने बताया है। और साथ में प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आपके रिगार्डिंग मेंशन की गई हैं, उसको वहाँ से आप चेक कीजिए। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए मार्केट में आपके प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होते हैं, उसको आप परचेज कर सकती हैं या तो आप मेरे यहाँ के मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकती हैं। ज्वाइन करने के लिए आपका नंबर है 8795553272 जो आपका एग्जामिनेशन के पैटर्न पे आपके मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं, जो आपके मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न होते हैं उसी पैटर्न पे आपके मेरे यहाँ के भी मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे। सेम पैटर्न और सेम लेवल के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर
कर लीजिए और साथ में एक अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन कीजिए। आप कोई भी साइड बुक रेफर कर सकती हैं, जैसा कि 9 10th का सिलेबस आपको पढ़ना है और 65 मार्क्स आपको जो पोर्शन आ रहा है उसको एक अच्छे फॉर्म में प्रिपेयर कीजिए। और हिंदी इंग्लिश से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो इसको एक अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको हिंदी इंग्लिश से दिलाएगा। अगर आप 25 प्लस उसमें गेन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ इंक्रीमेंट हो सकता है। इसको आप एक अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन को लिख भेजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।